लाल साहिब मंदिर में इन दिनों चेटीचंड पर्व के अवसर पर प्रतिदिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। लाल साहिब मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत बाड़मेर द्वारा आयोजित करवाई जा रही प्रतियोगिताओं में समाज के बच्चे और बड़े सैकड़ों की संख्या में भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज के युवाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। चेटीचंद महापर्व पर सरहदी बाड़मेर में 60 यूनिट रक्तदान हुआ। वहीं 1 अप्रैल को महिलाओं के लिए होने वाले दोपहिया वाहन रैली के आयोजन की भव्य तैयारी अपने अंतिम चरणों पर है। शहर के गुरुद्वारा रोड स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर में भगवान झूलेलाल के 1072वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। शिविर में सिंधी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। कैंप की सदस्य अनीता लखवानी ने बताया कि 60 यूनिट रक्त बैंक में जमा कराया गया। बुधवार शाम को महिलाओं के लिए भजन सिंधी छेज एवं गरबा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रात्रि में युवाओं के लिए कुर्सी कैरम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भगवान झूलेलाल के ज्योत प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। आयोजन का नेतृत्व झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष पवन राजवानी ने किया। आगामी कार्यक्रमों में गुरुवार को भव्य माता की चौकी शाम 5 बजे अजमेर के ललित एंड पार्टी द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही आम लंगर का आयोजन किया जाएगा। 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे महिलाओं के लिए दोपहिया वाहन रैली आयोजन झूलेलाल कलश यात्रा का आयोजन होगा। इसी दिन शाम को प्रतिभा सम्मान समाजसेवी पत्रकार सेवानिवृत्त सेठ नारूमल सिंधी रत्न द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे होजमोला रंगारंग कार्यक्रम एवं आम लंगर का आयोजन होगा।